गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से किनारा कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। टीएमसी ने यशवंत सिन्हा को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री को नेशनल वर्किंग कमेटी का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में नंदीग्राम में घायल होने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरलिया के झालदा में व्हीलचेयर पर बैठकरी सभा की। यहां सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीते 10 मार्च को नंदीग्राम में मेरे पूरे शरीर को चोट लगी है, मैं किसी तरह बच गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे दर्द से बड़ा जनता का दर्द है। আপনারা জানেন গত 13-14 আমার মিটিং ছিল, পুরুলিয়াতেও ছিল, আমি করতে পারিনি। কারণ 10 তারিখে একটি ঘটনায় আমার পায়ে চোট লাগার ফলে আমার সারা শরীরে চোট লাগে এবং হয়তো সৌভাগ্যবশত সেদিনকে বেঁচে গেছি কোনো রকমে। কিন্তু একটা তো পায়ে পুরো প্লাস্টার করা অবস্থায় আমি হাঁটাচলা করতে পারছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলেকশন সামনে কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি। কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। পুরুলিয়া আমার রূপসী বাংলা, ঝালদা বাগমুন্ডি থেকে শুরু করে রঘুনাথপুর আরশা থেকে শুরু করে জয়পুর বলরামপুর থেকে শুরু করে কাশীনাথপুর একেবারে মানবাজার থেকে শুরু করে সব জায়গাটাই সুন্দর রূপসী বাংলা। বিনা পয়সায় খাদ্য পায় আর তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকবে, আর বিনা পয়সায় রেশন আপনারা পাবেন। আগামী দিন রেশন আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, দোকানে গিয়েও আনতে হবে না, বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, বিনা পয়সায় পাবেন। আর পুরুলিয়ায় ঘরে ঘরে জল দেবার জন্য ব্যবস্থা আমরা করছি। জাইকা স্কিমটা একটু টাইম নিচ্ছে, কিন্তু হবে, হয়তো একটু টাইম লাগছে, হয়ে গেলে পুরুলিয়ায় জলের প্রবলেম থাকবে না। বাগমুন্ডিতে বাগমুন্ডি ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম, অযোধ্যায় ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম করা হয়েছে, 76 কোটি টাকা খরচা করে এখানে নলবাহিত পানীয় জলের কাজ শেষ করা হয়েছে, বাগমুন্ডিতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করা হয়েছে, ঝালদাতেও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করা হয়েছে। একদিকে আমরা উন্নয়ন করে যাচ্ছি, আর অন্যদিকে বিজেপি একটা পার্টি গ্যাসের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, ডিজেলের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ রেশনে গেলে কেরোসিন পাচ্ছে না, কেরোসিন বন্ধ করে দিয়েছে, চাল নেই, গম নেই, আটা নেই, দোকানে কেরোসিন নেই, গ্যাসের দোকানে গ্যাস, বিনা পয়সায় চাল পাচ্ছেন, আর সেটা রান্না করতে গেলে কেরোসিন পাচ্ছেন না, আর গ্যাসে রান্না করতে গেলে একটা গ্যাসের দাম 800 টাকা হয়েছে। বলেছিল বিনা পয়সায় গ্যাস দেব, উজালা, উজালার নামে এমন কেলেঙ্কারি হয়েছে যে উজালা আজকে আধারা হয়ে পালিয়ে গেছে। भाजपा ने बंगाल तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में तृणमूल से भाजपा में आए शोभन चटर्जी को कोई टिकट नहीं दिया गया है। जिसके बाद शोभन चटर्जी की महिला मित्र वैशाखी बनर्जी ने अपने फेसबुक पेज में एक पोस्ट लिखकर नाराजगी जाहिर की है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में घायल होने के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस मामले में टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। यही इस मामले को लेकर रविवार को आयोग ने विशेष बैठक बुलाई, जिसके बाद नंदीग्राम मामले पर आयोग ने एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर को पद से हटा दिया। कोलकाता में हीरोइन की तस्करी करने के आरोप में एसटीएफ की टीम ने कोलकाता पुलिस के 2 कांस्टेबल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साउथ पोर्ट थाना अंतर्गत स्टैंड रोड पर पेटन के पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी तलाशी लेने पर उनके पास 1 किलो 132 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल समेत
पूरे देश में महापंचायत कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को बंगाल दौरे से लौटकर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस साल नवंबर दिसंबर तक किसान आंदोलन चलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद सोमवार सुबह मुंबई की दादर मार्केट में कोरोना नियमों के धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां सुबह सुबह मार्केट में भारी भीड़ नजर आई। यहां न तो लोग मास्क पहने नजर आए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर लिली सिंह की ग्रैमी अवार्ड में एंट्री ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूबर लिली सिंह ग्रैमी अवार्ड 2021 के दौरान भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मास्क पहने दिखी। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो ग्रैमी के रेड कार्पेट पर हैं और उन्होंने काले रंग का सूट पहना है। इसके साथ ही लिली ने मास्क पहना है जिस पर स्टैंड विथ फार्मर्स लिखा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से बंद NH-24 को आज खोल दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आम लोगों की सुविधा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले NH-24 को खोल दिया गया है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया था। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के 10 लाख कर्मचारी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन्होंने 15 मार्च और 16 मार्च के लिए 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। दोनों दिन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल का मुख्य बिंदु है निजीकरण। ये 15 और 16 को हम लोगों का स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट कर देगा, LIC को प्राइवेट करेगा, ये सबके अगेंस्ट में 2 दिन का हड़ताल है हम लोगों का। ये 15 और 16 को हम लोगों का स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट कर देगा, LIC को प्राइवेट करेगा, ये सबके अगेंस्ट में 2 दिन का हड़ताल है हम लोगों का, बैंक यूनियन का, और रिस्पॉन्स हर जगह से बहुत बढ़िया है। ये सोचने का विषय है, ये लड़ाई बैंकर्स की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। प्राइवेट बैंकों का हाल आप देख चुके हैं, चाहे वो DCB बैंक, चाहे वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हो, चाहे वो डकन बैंक हो, PMC हो, किसी भी प्राइवेट बैंक को रातों रात आपने समाप्त होते हुए देखा है। लेकिन सरकारी बैंकों इतने सशक्त हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये वह समय है जब आम आदमी को सड़क पर आना होगा और बैंकर्स का साथ देना होगा, क्योंकि अगर सरकार इन बैंकों को प्राइवेटाइज करती है तो इनका अंत निश्चित है। किसी भी समय रातों रात इन बैंकों को समाप्त कर दिया जाएगा, किसी भी तरह की नीति लाकर इनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा। और जब प्राइवेट पूंजीवादी सरकार आएगी, प्राइवेट पूंजीवादी कैपिटलिस्ट आएंगे, तो इन बैंकों को अपने तरीके से चलाएंगे। केवल इनका ऋण उन लोगों को दिया जाएगा जिनको की बाद में माफ कर दिया जाएगा, और आम आदमी का पैसा इस तरह से लूट लिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो एक अलग चीज है, बट अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो आप लाइसेंस बाकी बैंकों को क्यों दे रहे हो? बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल बैंकर्स कितने लोग आ रहे हैं उनको क्यों दे रहे हो? आप प्राइवेटाइजेशन के बजाय पॉलिसी बनाओ, ऐसा NPA के लिए और रिकवरी के लिए वो सारी प्रोसेस बनाइए। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। आज 15 तारीख और 16 तारीख कल दोनों दिन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल का मुख्य बिंदु है निजीकरण। जो पिछले बजट में हमारे देश के वित्त मंत्री ने 2 PSU बैंकों का निजीकरण करने का जो फैसला लिया गया है, उसके एवज में पूरे देश में एक मातम सा छा गया है। शोपियन के रावलपुरा में पिछले 3 दिनों से जारी मुठभेड़ में आखिरकार जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर विलायत लोन और सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया है। इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार दिया गया है। 72 घंटों से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। नेपाल के सिराहा में एक सरकारी कार्यालय में बम धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों के घायल होने की खबर है। दक्षिण पूर्वी नेपाल के लाहान जिले के सिराहा में रविवार को खचाखच भरे सरकारी कार्यालय में प्रेशर कुकर बम फटने से कई लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर सपना के डांस वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं। हाल ही में सपना का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। इस वीडियो में सपना चौधरी पीला सूट पहनकर नागिन डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम रील से शेयर किया है।
सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए जबरदस्त सुर्खियों में आ गए थे। वहीं इस बीच सोनू सूद 1,00,000 लोगों के लिए रोजगार लेकर हाजिर हुए हैं और ये खुशखबरी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने 1,00,000 नौकरियां देकर 10 करोड़ देशवासियों की जिंदगी बदलने की प्रतिज्ञा ली है। देश का नियंत्रण सेना के हाथ में आते ही म्यांमार में खूनी संघर्ष जारी है। रविवार को युगिन इलाके में प्रदर्शनकारियों के द्वारा एक चाइनीज फैक्ट्री को आग लगा दी गई है, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने खुले आम गोलियां बरसाई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस गोलीकांड में करीब 70 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।